नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश से हमारे पास एक खबर आई है जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या करने की धमकी दी गई है। इस संबंध में हिंदूवादी नेता देवेंद्र तिवारी को धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में तिवारी और योगी आदित्यनाथ को औकात याद दिलाने और बम से उड़ाने की बात की गई है। देवेंद्र तिवारी के मुताबिक धमकी भेजने वाले ने खुद को सलमान सिद्दीकी बताया है। 12 अगस्त 2022 शुक्रवार को यह पत्र उन्हें मिला। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी देने वाला अवैध भूचड़खानों के खिलाफ देवेंद्र तिवारी की पीआईएल से नाराज है। उसने धमकी वाले पत्र में लिखा है, तुझे कितनी बार समझाया पर तू नहीं मान रहा। तेरी जनहित याचिका से मुस्लिमों के पेट पर लात पड़ रही है। तेरे चलते तमाम भूचड़खाने बंद हो गए हैं। अब तू देख कि मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तू चालाकी से देवबंद से तो निकल गया, बाकी लोगों की तो गर्दन काटी है, लेकिन तुझे और योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाएंगे। अगले 15 दिनों में तुझे इसका रिजल्ट दिखेगा। भारतीय किसान मंच के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने आज तक को बताया, मेरे घर के नीचे मेरे सुरक्षा कर्मी को एक बैग मिला। इसकी सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बैग को खोला गया तो एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में मुझे जल्द से जल्द गौ संरक्षण और जनहित याचिका का काम बंद कर देने की धमकी दी गई है। ऐसा न करने पर मुझे और योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की बात कही गई है। तिवारी ने अवैध बूचड़खानों के साल 2019 में पीआईएल दायर की थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस महीने दी गई यह दूसरी धमकी है। इससे पहले 2 अगस्त 2022 को यूपी 112 मुख्यालय में व्हाट्सएप के जरिए उन्हें 3 दिन में बम से उड़ाने का मैसेज भेजा गया था। मैसेज भेजने वाले का नाम शाहिद खान बताया गया है। दोस्तों, इस घटना के बारे में और इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।